सदन में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का मुद्दा उठा है, जहां अंबिकापुर एनएच की चौड़ाई का भी मामला उठाया गया। बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने तत्कालीन मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन मंत्री की वजह से टू लेन मार्ग को कर दिया गया है, जबकि उसको फोर लेन होना था। एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो वहीं सदन में मंत्री अरुण साव ने इस बात को स्वीकार किया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है, जिसमें अंबिकापुर एनएच की चौड़ाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जहां पर साफ तौर पर बीजेपी विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जो तत्कालीन मंत्री थे उनकी वजह से इस सड़क को टू लेन मार्ग कर दिया गया, जबकि इसको फोर लेन बनना था और उसकी वजह यह थी कि एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए यह सब कुछ किया गया। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में अब लगातार जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा उठा है, किस तरह से इसे देखा? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही देर पहले जो है विधानसभा प्रश्नकाल की कार्यवाही जो है वो समाप्त हुई और प्रश्नकाल में आज एक बार फिर से सत्ता पक्ष के मंत्री जो है वो अपने ही पार्टी के विधायकों से घिरते नजर आए थे। राजेश अग्रवाल ने जो अंबिकापुर से बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे लेकर सवाल खड़े किए और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री पर कहा कि उनके चलते ही जो है किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के चलते जो है वो फोर लेन सड़क टू लेन में तब्दील हो गई, जिस पर खुद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हाँ ये हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात किए है कि जो अरपा भैसाजार मामला है उसे लेकर राघवेंद्र सिंह ने सवाल उठाया था, विधायक ने जो कांग्रेस के हैं, और उन्होंने उसके लागत को लेकर पूछे थे कि इसमें कितना लागत लगा है और लागत जो बढ़ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिस पर खुद मंत्री ने जवाब दिया था। लेकिन इन सबके अलग जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण में जिस मुद्दे को उठाया था वही मुद्दा आज प्रश्नकाल में उठाया और जिसमें खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उनकी प्रशंसा भी की। ध्यानाकर्षण के दौरान उन्होंने गोमाडा अभ्यारण्य में शेर की मौत का मामला उठाया था, जो करंट लगाकर मारा गया था उस मामले को उठाया था और उस दौरान जो वन मंत्री है उन्होंने कहा था कि इसकी न्यायिक जांच की जा रही है, न्यायिक जांच की के बात को लेकर आसंदी ने उन्हें बैठा दिया था। और आज एक बार फिर से जब उन्होंने प्रश्नकाल में सवाल किया तो सीधे तौर पर उनका यह कहना था डॉक्टर चरणदास महंत का कि हमें न्यायिक जांच के आदेश की कॉपी दे, जिस पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे, वन मंत्री कुछ भी कहने से बचते नजर आए क्योंकि उनके पास जो आदेश की कॉपी थी वो नहीं थी और उन्होंने आसंदी को बार बार चरणदास महंत ने यह कहा कि आपके बोलने पर मैं बैठा था और अब आप मुझे जो आदेश की कॉपी है वो दिलाएं। तो कुछ इस तरीके से आज गुमाडर अभ्यारण्य में जो बाघ की मौत हुई थी उसे लेकर घिरते नजर आए मंत्री विपक्ष के द्वारा। जी निश्चित तौर पर, और जिस तरह से लगातार सवाल जवाब किए